बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आज से मेदांता लखनऊ में स्पुतनिक वी लगाई जाएगी। आपको बता दें पहले विदेशी वैक्सीन लगने के लिए तैयार है। स्पुतनिक वी की कीमत केवल 1,145 रुपए है। 28 दिन के अंदर दोनों डोज वैक्सीन की लगाई जाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से मेदांता लखनऊ में स्पुतनिक वी वैक्सीन मौजूद हो चुकी है, पहली विदेशी वैक्सीन लगने के लिए तैयार है। जी हां, स्पुतनिक वी की कीमत केवल 1,145 रुपए है। वही 28 दिन के अंदर इस वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जाएंगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, वैक्सीन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1,145 रुपए स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ये वैक्सीन मौजूद है, पहली विदेशी वैक्सीन लगने के लिए तैयार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्त की बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों को लेकर बीजेपी में आज बड़ी बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी आज अयोध्या को लेकर समीक्षा करेंगे। अयोध्या के विकास कार्यों की पीएम मोदी समीक्षा करेंगे, वर्चुअल तरीके से देखेंगे अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम 13 और सदस्य भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, पीएम मोदी आज अयोध्या को लेकर समीक्षा करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मार्तंड। तो मार्तंड, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये जो बैठक हो रही है, किस तरीके से है? जी देखिए, आपको बता दें कि ये बैठक ये जो है 11 बजे से प्रस्तावित थी, बैठक खत्म हो चुकी है। 13 सदस्य जो लोग थे वो 13 लोग इसमें शामिल थे बैठक में। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह इस बैठक में शामिल थे। साथ ही चीफ सेक्रेटरी पर्यटन विभाग और नगर विकास के अपर मुख्य सचिव समेत इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बैठक ले रहे थे। इसमें वो अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट देख रहे थे। इसमें योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो आपको एक बार बता दें कि अयोध्या हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में रहा है और लगातार जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से अयोध्या पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद इसमें और तेजी आई थी। उसी को लेकर ये बैठक हुई और इसमें जो है प्रधानमंत्री ने पूरा विजन डॉक्यूमेंट देखा और उसको जो है अधिकारियों ने बताया कि किस तरीके से अयोध्या के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अयोध्या को एक पर्यटन हब बनाने की तरफ जो है कदम बढ़ा रही है। इसको लेकर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले ही अपनी तरफ से 20,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार कर चुका है। इस बारे में पूरी जानकारी जो है प्रधानमंत्री जी को दी गई यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा और साथ में जो भी अधिकारी और मंत्रीगण थे उनके द्वारा ये पूरा विजन डॉक्यूमेंट दिखाया गया। अयोध्या का विकास का जो खाका तैयार किया गया है वो अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अगले 30 साल का प्लान ही इसमें जो दिखाया गया उनको, उन्होंने 30 साल का ही प्लान देखा, लेकिन ये बड़ी बात है कि अगले 100 सालों की जरूरतों के हिसाब से ये प्लान तैयार किया गया है। और इस पे जो है जैसा मैंने पहले बताया कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में पहले से ही 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर चुका है। इन सब चीजों को जो है प्रधानमंत्री जी ने देखा और इस डिजिटल मॉडल जो है
इसका वो भी पेश किया गया जिसको प्रधानमंत्री ने देखा और उसको जो है सराहा, और साथ ही साथ इसको जो भी निर्देश इसके बेहतरी के लिए जो निर्देश देना था प्रधानमंत्री ने दिया। जी और भी क्या कोई कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी आज अयोध्या को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि वर्चुअल तरीके से अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद होंगे। नजर डालते हैं अब इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। अयोध्या के विकास कार्यों पर पीएम का मंथन, सीएम योगी भी हैं मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर बोले पीएम, नशा साथ में अंधकार और तबाही लाता है। रविवार को लद्दाख दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी पर तैयारियों का लेंगे जायजा। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन का आज देश भर में प्रदर्शन जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्र सरकार सितंबर माह में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 7 महीने से चला आ रहा है। वहीं इसी को लेकर भारतीय किसान संगठन के 5 लोग द्वारा लखनऊ के राजभवन के पास धरना प्रदर्शन किया गया। किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने राजभवन पहुंचे हैं। और साथ में आपको यह भी बता दें कि कृषि बिल को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के संबंध में राजभवन पहुंचे हैं। वहीं पिछले 7 महीने से किसान सरकार किसान बिल वापसी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इसी को लेकर भारी तादाद में किसान हुसैनगंज रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग हम हैं जिसे देश के राष्ट्रपति महोदय से, जो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, ये देश का किसान और प्रदेश का किसान माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया के जरिए उन्हें ज्ञापन देना चाहता है, जो 1975 में इन्होंने घोषित आपातकाल सरकार ने लगाया था उसकी वर्षगांठ पे आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अघोषित आपातकाल लगा। हमारे कार्यकर्ता घर से निकलते निकल नहीं पाते, पुलिसें लगा दी जाती हैं, ट्रैक्टर रोक दिए जाते हैं, ट्रैक्टरों को नोटिस जारी किया जाता है। तो जो अघोषित आपातकाल, इसकी वापसी की मांग करेंगे। तीनों बिल महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम, ये हमारी डिमांड है कि तीनों बिल वापस लो। 7 महीने से जो है किसान आंदोलन चल रहा था, आज जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी किसान जो है आगे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञापन देने के लिए जो है वो राज्यपाल कार्यालय जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर, अब देखना ये होगा कि तब इनका जो है ज्ञापन राज्यपाल। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक संपन्न हो गई है। ये बोर्ड बैठक मंडलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें ताजनगरी आगरा को ग्रेटर आगरा बनाने के प्रस्ताव के साथ साथ आगरा विकास प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ लेने वाले आवंटियों को विशेष छूट देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने यह बताया है कि आगरा की इनर रिंग रोड के नजदीक की भूमि पर विकास प्राधिकरण ग्रेटर आगरा नाम से योजना का विस्तार करेगा। साथ ही विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए स्वीकृत भवन की एक मुश्त रकम भी जमा करने पर आवंटियों को 5% की छूट व भूखंड के आवंटियों को 2% की छूट दी जाएगी। यदि एक तो जो हमारी पुरानी 134वीं बोर्ड की मीटिंग थी उसकी अनुपालन आज्ञा प्रस्तुत की गई थी, और इसके अतिरिक्त जो रहन कला और रायपुर के अंदर 612 हेक्टेयर जमीन को खरीदने का प्रस्ताव था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसमें ग्रेटर आगरा
निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें बोर्ड की ओर से सहमति बन गई है और इसके ऊपर जो लोन लिया जाएगा और जिससे जितने भी हमारे कृषक भाई बहन हैं उनको जो अवार्ड दिया जाएगा उस पर सहमति बन गई। और दूसरा, जो भी व्यक्ति एक मुश्त 60 दिन के अंदर कोई भी प्लॉट या भवन खरीदने पर राशि जमा कराता है, तो भवन की जब राशि जमा कराता है तो कुल 75% राशि का 5% उसको छूट दी जाएगी, और यदि प्लॉटिंग के अंदर वो एक मुश्त जमा कराता है तो उसकी 75% राशि। वहीं आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने अतरौलिया विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कन्हैया निषाद के बेटे संजय निषाद को मैदान में उतारा है। अभी तक का चुनाव भाजपा और सपा के बीच ही है, बसपा ने अपना कोई प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव के लिए नहीं उतारा है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने बस्ती जिले में भानपुर रुधौली मार्ग पर एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव बाइक पर पड़ा मिला था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि सुबह राहगीरों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सोना पुलिस ने 3 दिन में खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि युवक ससुराल शादी में शामिल होने के लिए गया था, वहीं युवक की पत्नी साले और उसके मित्र ने मिलकर हत्या की थी। संपत्ति को लेकर पत्नी ने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। खबर बस्ती से है, जहां संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने मंडल की समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंडल के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं सुचिता चतुर्वेदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड से प्रभावित हुए परिवार के बच्चे जो निराश्रित हुए हैं या फिर एकल बच्चे, उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बाल सेवा योजना की समीक्षा की गई है। जो कोविड के दौरान बच्चे निराश्रित हुए या एकल परिवार बचे, उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित जो योजना है बाल सेवा योजना, उसकी यह समीक्षा बैठक है। यहाँ पर इसीलिए समीक्षा बैठक हो रही है कि सभी डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन बने। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए एक मिसाल साबित हो सकती हैं। बच्चों को के पुनर्वासन को लेकर योजनाएं काफ़ी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक योजना का ही लाभ मिल सकता है एक बच्चे को और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। जैसे यहाँ पर अभी जो समीक्षा बैठक चल रही है, उसमें यह निकल के आया कि बाल सेवा योजना से वो बच्चे लाभान्वित होंगे जिन बच्चों को के पास कोविड का सर्टिफिकेट होगा। वहीं बुलंदशहर में एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा खुर्जा देहात थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया और इस दौरान परिसर में महिला हेल्प डेस्क, शास्त्रागार, साफ सफाई का आदि की भी चेकिंग की गई। वहीं एसएसपी ने सभी फरियादियों व उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही ये कहा कि हिस्ट्री शीटर अपराधी पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए। थाने का वार्षिक निरीक्षण था और इसका उद्देश्य यही है कि थाने के अभिलेखों में, रख रखाव में और थाने के मेंटेनेंस में जहाँ जो कमियां हैं उनको तलाशा जाए और उनको दूर कराया जाए। तो फिलहाल बहुत ही संतोषजनक स्तर का यहाँ का रिजल्ट पाया गया है और विशेष रूप से महिला हेल्प डेस्क के कर्मचारियों ने बहुत ही परिश्रम के साथ, जो भी महिलाएँ आती हैं उनके प्रार्थना पत्रों की उनकी टोकन नंबर, जाँच का परिणाम और जाँच के परिणाम की स्कैन कापी, वहीं जौनपुर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक ने निरीक्षण किया और वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की। वाराणसी मंडल के अपर निदेशक शशिकांत उपाध्याय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार के साथ शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। अपर निदेशक ने चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी से व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो
नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए आया हूँ कि जो गवर्नमेंट इस समय कोरोना की जो थर्ड वेव है उसकी तैयारी करा रही है, और क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा कि सेकेंड वेव में जो है काफ़ी मरीज हो गए थे, कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय जो है गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जोर यह है कि हमारे थर्ड वेव की तैयारी हो। और एक मिनट, और थर्ड वेव की तैयारी में जैसा कि कहा गया है कि आगे आने वाले समय में बच्चों पे जो है ये हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की बात है, और उसके लिए एक ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है और एक रूम चिन्हित हो गया है जो कि 10 बेड का है, जिसमें कि सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम लगेगा और उससे जो ऑक्सीजन। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।